हालाइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि टू थाउजेंड नीट के, uh, के एग्जाम का क्वेश्चन है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन टाइम आर गिवन एज एक्स इज इक्वल टू फाइव टी माइनस टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टेन टी रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई मीटर में है और टी आपका सेकंड में है हमें बताना है टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे एक्सलेशन कितना होएगा ना बहुत ही सिंपल सवाल है अपने को दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू फाइव टी माइनस टू टी स्क्वायर सो इट विल बी फाइव टी माइनस टू टी स्क्वायर वाई अपने को दिया हुआ है टेन टी हमें बताना है एक्सेलेशन क्या होगा नाउ एक्सेशन एस बी नो एक्स कंपोनेंट एक्सेलेशन का होगा इसको अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें सो so इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे सो so, uh, पहले वाली टर्म आलेट फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करके लेट्स डू इट दिस वे वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सो आया फाइव माइनस फोर एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन uh, निकालने के लिए सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस फोर राइट सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो वी वाई की जो वैल्यू हो गई इसको एक बार डिफरेंशियट करेंगे सो so, ये आपका हो गया टेन और ए वाई उसको फिर डिफरेंशिएट करके आएगा टेन को डिफरेंशिएट करके जीरो तो फाइनली जो आपका एक्सेलेशन हो गया दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप सो आपका नेट एक्सलेशन जो आ गया दैट इज इक्वल टू माइनस फोर आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका एक्सेलेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होएगा सो बेस्ड ऑन इस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी माइनस फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम